नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शादी के बंधन में बंधे लालू के बेटे तेजस्वी यादव, जगदानंद बोले, तेजस्वी ने ऐसा आदर्श कायम किया है जो बिहार के लिए एक मिसाल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी हो गई है। तेजस्वी और रिचेल अब एक दूसरे के हो गए हैं। मीसा भारती के दिल्ली स्थित सैनिक फार्म में दोनों की शादी सम्पन्न हो गई। दिल्ली में हो रही शादी की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। पटना में राजद के पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ राजद कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद है। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर राजद नेता और कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार करते दिखे। इस मौके पर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को शादी की शुभकामनाएं और बधाई दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी तेजस्वी और रिचेल को शादी की शुभकामनाएं दी है। जगदानंद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने एक ऐसा आदर्श कायम किया है जो बिहार के लिए एक मिसाल है। जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी ने बिहार के नौजवानों को एक नई राह दिखाई है। शादी के मौके पर दिखावा करना और धन का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, वह दिखावटी शादी होती है। तेजस्वी यादव ने माता पिता का आशीर्वाद लेकर यह शादी की है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आदर्श को कायम किया है। राजद परिवार दोनों जोड़े को बधाई देता है। खाद के लिए सुपौल में फिर हंगामा, त्रिवेणीगंज के किसानों ने NH 327 को किया जाम। बिहार में किसान खाद के लिए परेशान है। खाद की कमी का मामला सांसद में भी उठा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खाद की कमी को माना था। आज उन्होंने इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में खाद की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है, पर अभी ताजा हालात ये है कि बिहार के सुपौल में खाद की किल्लत से किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। गुरुवार को त्रिवेणीगंज के किसानों ने NH 327 को लालपट्टी गाँव के पास जाम कर दिया। सभी खाद नहीं मिलने से नाराज थे। सड़क पर आगजनी कर और कटीले तार लगाकर किसान सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके पहले भी कई बार सड़क जाम और हंगामा कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि खाद के लिए आवंटित दुकानों से खाद नहीं मिल रही है। वहीं बाजारों में DAP काफी महंगे दरों पर उपलब्ध है, जिसे लेने में किसान असमर्थ है। गुरुवार को लालपट्टी के पास सड़क जाम करने वाले किसानों ने बताया कि वो रात के 10 बजे से अंजलि फर्टिलाइजर के पास लाइन में लगे थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। वो दो दिनों से बिना खाद के लौट रहे हैं। किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि इलाके में खाद की कालाबाजारी हो रही है, इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। गोपालगंज में टेरर फंडिंग मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, मांझागढ़ के पथरा गांव से जफर अब्बास गिरफ्तार। गोपालगंज में टेरर फंडिंग मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मांझागढ़ के पथरा गांव से जफर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। जफर अब्बास पर पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध रखने का आरोप है। पकड़ा गया युवक स्वर्गीय मोहम्मद हसमुल्लाह का पुत्र है। उसके पास से NIA ने 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल व इतने ही सिम कार्ड बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार NIA को सूचना मिली थी कि गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाने के पथरा गांव का युवक जफर अब्बास टेरर फंडिंग से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों से संपर्क में है। इसके बाद NIA की टीम उसके बारे में जांच पड़ताल करने लगी। स्थानीय थाने की पुलिस की मदद से युवक पर नजर रखी जा रही थी। पहले साइबर क्राइम से जुड़े मामले की तफ्तीश की गई, बाद में NIA को पता चला कि पाकिस्तानी आतंकवादियों से उसका कनेक्शन है। टेरर फंडिंग के साक्ष्य हाथ लगने के बाद NIA की टीम मंगलवार को पथरा गांव पहुंची और जफर को गिरफ्तार कर लिया। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जमीन खरीदने के बाद दिया गया चेक हुआ बाउंस। भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। छपरा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सरोज की अदालत ने यह वारंट जारी किया है। खेसारी लाल यादव पर जमीन खरीदने के बाद रुपये नहीं देने का आरोप है। जमीन खरीदने के बाद खेसारी लाल ने जो चेक दिए थे वह बाउंस हो गया है। इसी को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में पेशी के निर्देश के बावजूद खेसारी लाल कई तारीखों से पेशी पर नहीं आए, जिसके बाद उनके खिलाफ अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
पटना पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर, जानिए क्या है उनकी मांग। राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। काउंसलिंग और बहाली नहीं होने से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने सभी कामों को छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ओपीडी और वार्ड में सेवा देने का काम उन्होंने ठप कर दिया है। आज उन्होंने बैनर पोस्टर लेकर ओपीडी के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक 2021 में नीट पीजी का परीक्षा पास हुए छात्रों की काउंसलिंग कर बहाली नहीं की जाएगी, तब तक पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर अपने काम का बहिष्कार करेंगे। वहीं पीएमसीएच जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन कुमार ने कहा है कि देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने वाली है। इस स्थिति में देश के सभी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अस्पताल में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। ऐसे हालात में हम लोग कितना काम करेंगे, इसीलिए जूनियर डॉक्टरों को बहाल करने की जरूरत है। पटना में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 अपराधी गिरफ्तार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चौक थाना अंतर्गत केशवराय गली के पास हुई लूटपाट की घटना का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूटे गए पैसे को भी बरामद किया है। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को दिन के करीब 1 बजे अशोक राजपथ पर स्थित केशवराय गली के पास 2-3 की संख्या में आए अपराधियों ने व्यवसायी विकास जालान के स्टाफ को घायल कर लगभग 5,00,000 रुपये लूट लिए थे। लूट के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी के स्टाफ विजय आनंद उर्फ गोल्डी को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही लूटे गए पैसे 4,12,000 रुपये बरामद किए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बिहार सरकार के विभागों का एक और कारनामा, कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत आदेश के बिना ही 7,000 करोड़ से भी अधिक रुपये के बाउचर और चालान जमा किए हैं। इस बात की जानकारी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने दिया है। कैग ने पाया कि 2019-20 के खातों को अंतिम रूप दिए जाने तक सभी बाउचर और चालान में सुधार नहीं किया गया था। आपको बता दें कि व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि CFMS लागू किए जाने के बाद ई वाउचर, सब वाउचर की स्कैन की गई प्रतियां, चालान और अन्य सभी की सहायक के साथ ट्रेजरी खातों को PAG के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। वहीं बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2019 से व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि CFMS लागू की गई है। वित्तीय नियमों में यह कहा गया है कि सरकारी खजाने से कोई पैसा तब तक नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल भुगतान के लिए इसकी आवश्यकता ना हो। बिहार में ओमिक्रॉन की जांच संभव नहीं, लेकिन मंत्री बोले हमारे यहां कोई मरीज नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक तरफ जहां पूरी दुनिया में दहशत है, केंद्र सरकार इसे लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश जारी कर चुका है, तो वहीं बिहार में इस नए वेरिएंट से मुकाबले के लिए जमीनी तैयारी कैसी है, इसका अंदाजा लगाना तो ओमिक्रॉन की जाँच की स्थिति से लगाया जा सकता है। ओमिक्रॉन की जाँच के लिए मरीजों का सैंपल को जीनोम सिक्वेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बिहार में इस तरह की जाँच की सुविधा केवल पटना के IGMS हॉस्पिटल में उपलब्ध है। पटना के IGMS में जीनोम सीक्वेंस लैब बनाई गई है, लेकिन फिलहाल यहां इसकी जांच प्रक्रिया बंद है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के तमाम देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क है, राज्य सरकार और IGMS की लापरवाही सामने आई है। IGMS लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया को क्यों नहीं हो पा रही है, इसका खुलासा हुआ है। दरअसल पटना के IGMS में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तो है, लेकिन यहां इस तरह की टेस्टिंग के लिए रीएजेंट उपलब्ध नहीं है। रीएजेंट उपलब्ध कराने को लेकर IGMS प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों ने जब विदेश से लौटे लोगों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का प्रयास किया, तो रीएजेंट की उपलब्धता नहीं होने की बात सामने आई। आनंद फानन में रीएजेंट की खरीद के लिए अब राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। रीएजेंट की खरीद में तकरीबन 15 दिनों का वक्त लगने का संभावना है, इसके बाद ही जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी और ओमिक्रॉन का टेस्ट किया जा सकेगा। आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग किसी वायरस का बायोडाटा होता है। वायरस किस तरह का है, उसकी क्या प्रकृति है, इस सारी बातों की जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही सामने आ पाती है, लेकिन टेस्टिंग के लिए रीएजेंट उपलब्ध नहीं रहने से फिलहाल जांच कर पाना नामुमकिन है।
पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तेज हुई सरगर्मी, फरवरी में होगा चुनाव। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संगठन के चुनाव की आहट के बाद तैयारियां शुरू हो गई है। छात्र संगठन भी चुनाव की रणनीतियां बनाने में लग चुके हैं। कई छात्र नेता संगठन लाइन से अलग अकेले भी तैयारी में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव फरवरी में होगा। विश्वविद्यालय की ओर से छात्र संघ चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बता दें कि कोरोना के कारण विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2 साल के बाद हो रहे हैं। जो चुनाव लिंगदो कमेटी के सिफारिशों के हिसाब से होगी, वहीं जिन छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज है वह कॉलेज स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है, वे चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। 11 से नालंदा में जुटेंगे देश के आयुष चिकित्सक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन। बिहार में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से बिहार सरकार नालंदा में 11 से 13 दिसंबर तक आयुर्वेद पर्व का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 दिसंबर को नालंदा और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री, आयुष मंत्रालय के सचिव समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि लोगों को आयुर्वेद के प्रति भरोसा बढ़ा है। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकृति सुनिश्चित करनी है, बल्कि वर्तमान बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाना है। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद को लेकर जागरूक करना भी है। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के आयोजन के दौरान देश भर के आयुष चिकित्सक लोगों को स्वास्थ्य रहने की जानकारी देंगे। उनके ज्ञान से आयुष चिकित्सक के साथ साथ देसी चिकित्सा के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विकास को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। आयुष कॉलेज और अस्पतालों को सुदृढ़ किए जा रहे हैं। इसके आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के साथ साथ आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अगले साल जनवरी तक 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।